और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सूरज कुमार रांची से जुड़ गए हैं। सूरज, फिलहाल आज ईडी दफ्तर पहुंचना था लेकिन हेमंत सोरेन नहीं पहुंचेंगे और हवाला दिया जा रहा है कि उनका एक कार्यक्रम है छत्तीसगढ़ में। कल तक ये कार्यक्रम नहीं रहा और एकाएक शाम को बैठक के बाद कार्यक्रम भी तय हो गया। क्या अपडेट आपके पास इस मामले में? मुझे देखिए, जिस तरह से ईडी ने माइनिंग लीज मामले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजा है और समन भेजने के बाद राजनीतिक तापमान झारखंड में बढ़ चुकी है। हालांकि देखिए, जिस तरह से ईडी ने समन भेजा था, समन के आधार पर मुख्यमंत्री को आज सुबह 11:30 बजे रांची के ईडी कार्यालय पहुंचनी थी, लेकिन ऐन वक्त में मुख्यमंत्री ने 13 से लेकर 15 नवंबर तक अपनी बिजी शेड्यूल यानी अपनी व्यस्तता दिखाते हुए नोटिफिकेशन जारी किया है और अपनी डे बाय डे उन्होंने अपना कार्यक्रम की शेड्यूल यहाँ पर तय कर ली है। शेड्यूल के आधार पर मुख्यमंत्री आज ईडी दफ्तर नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होने के लिए वो जाएंगे। तो ये कह सकते हैं कि जिस तरह से ईडी ने संबंध भेजा, संबंध भेजने के बाद मुख्यमंत्री के साहेबगंज का 2 दिवसीय दौरा था, लेकिन मुख्यमंत्री सामने ही रांची पहुंच गए हैं, पहुंचते हैं और पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री ने यूपीए के सभी विधायकों को मीटिंग के लिए कॉल किया था और कॉल करने के बाद सभी यूपीए के विधायक मुख्यमंत्री आवास में जुटे। कई तरह की यहाँ पर रणनीतियां बनी कि आखिरकार जिस तरह से ईडी का संबंध आया, उस हालात में आगे की क्या रणनीति होगी, क्या स्ट्रैटेजी होगी, इन तमाम विषयों पर चर्चा हुई। इसके अलावा सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को भी लेकर कई विषयों पर चर्चा हुई। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ईडी के द्वारा भेजी गई सम्मन को लेकर एक सियासी पारा यहाँ पर फिर से शुरू हो गई है, क्योंकि आपने देखा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले को लेकर चुनाव आयोग की जो लेटर है वो अब भी राजभवन में है और दूसरे तरफ ईडी का सम्मन। तो ये कहीं ना कहीं दो तरफा घेराव मुख्यमंत्री के खिलाफ देखी जा रही है। पूजा, बिल्कुल सूरज, लेकिन इस दौरान यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है। देखिए, हमने देखा यूपीए के जितने भी विधायक थे, मंत्री थे, नेता, सभी की ओर से केंद्र सरकार पर ये पूरा ठीकड़ा फोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि षड्यंत्र के तहत सत्ताधारी पार्टी को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये कि जो अब तक पूजा सिंघल हो, प्रेम प्रकाश हो, पंकज मिश्रा हो, इनके पास से जो सबूत हाथ लगे हैं, क्या वो सबूत भी केंद्र सरकार ने तैयार कर दिए हैं क्या सरकार के खिलाफ? देखिए, बिल्कुल, इन तमाम मामलों को लेकर जिस तरह से चुनाव आयोग ने अपना फैसला सुनाया है तो निश्चित तौर पर आज नहीं तो कल वो लिफाफा खुलेंगे। हालांकि देखिए, तमाम चीजों को लेकर राज्यपाल ने भी संकेत दे दिए हैं कि एक आध दो एटम बम झारखंड में भी फूटेंगे, यानी ये संकेत है कि झारखंड में कभी भी इस तरह की जो चीजें हैं उसे लेकर राज्यपाल अपना फैसला सुना सकती है। सूत्र ये भी बता रहे कि अगर राज्यपाल, अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर ईडी ऑफिस में पूछताछ के लिए नहीं जाते तो इस बीच राज्यपाल कभी भी अपना फैसला सुना सकते हैं। सूरज, यहाँ पर एक सवाल और आपसे करना चाहूंगी, माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रही हूँ। सवाल मेरा ये है कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं बन्ना गुप्ता, उनकी ओर से साफ तौर पर कहा गया है और यूपीए के तमाम विधायक भी ये कहते नजर आए हैं कि 5 नवंबर से केंद्र सरकार के खिलाफ और राज्यपाल के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा जाएगा और इस आंदोलन में राज्यपाल का जो साजिश है, जो उनकी ओर से साजिश रची गई है, उसका पर्दाफाश करने का काम हम करेंगे। ये बयान दिया गया है बन्ना गुप्ता की ओर से, जहां एक तरफ राज्यपाल अब भी इंतजार कर रहे हैं कि दूसरा ओपिनियन वो ले और उसके बाद ही अपना फैसला सुनाए, वहीं दूसरी तरफ आरोपों की छड़ी राज्यपाल पर ही भारी पड़ रही है। देखिए, बिल्कुल, जिस तरह से अभी हालात बने हैं और 25 अगस्त को जिस तरह से चुनाव आयोग ने अपना फैसला सुनाया था और फैसला सुनाने के बाद अपनी जो फैसले हैं वो राजभवन भेजे थे, लेकिन राजभवन की तरफ से अब तक कोई लिफाफा खोली नहीं गई है। इन तमाम चीजों को लेकर अब सत्ता पक्ष यानी जेएमएम हो, कांग्रेस हो, इसके अलावा राजद हो, लगातार वो हमलावर है, वो लगातार केंद्र सरकार पर, साथ ही विपक्ष पर और साथ ही झारखंड के राज्यपाल पर हमला वो बोल रहे हैं और लगातार उनका ये कहना कि उनके निशाने पर ही केंद्र एजेंसियां यहाँ पर काम कर रही है और एक झारखंड के जो आदिवासी मुख्यमंत्री है उसे वो परेशान कर रहे हैं और झारखंड में जिस तरह से विकास की जो धाराएं चल रही है उसे कहीं ना कहीं प्रभावित करने का प्रयास विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। कई तरह के आरोप सीएम हैं और ऐसे में आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आप आज नहीं तो कल आपको सवालों का जवाब तो देना ही होगा। ईडी दफ्तर आपको जाकर वहां पर अधिकारियों का सामना, सवालों का सामना भी करना पड़ेगा। आप देखने वाली बात ये होगी कि अभी के लिए तो फिलहाल इस मामले को टाल दिया है सीएम हेमंत सोरेन ने, लेकिन अब वो कब वहां पर पहुंचेंगे, ईडी दफ्तर में पहुंचकर अधिकारियों के सवाल का जवाब देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।